हरा पेन असी लोक हित लई दिता ना कि लाल निशान ला के पंजाब उजाड़न लई दिता। जिहड़े बेअदबी दा इंसाफ 24 घंटे च देण दी गल करदे सी उहनां च कोई बोलिया? जदों सत्ता च हुंदे ने फिर कुर्सी और खीसे याद रहिंदे ने, जदों सत्ता तों बाहर हुंदे ने फिर लोक याद आउंदे ने। भगवंत मान ने इस मसले से मतेवाड़ा जंगल के मसले से कहा 1000 एकड़ जमीन लवेंगे, की कानमियां नूं पता नहीं सी कि असी इहदे उल्ट बोलते रहे हैं? भारतीय संविधान अनुसार हरेक सूबे को 33% जंगल होना चाहिए, पर पंजाब को कागजां 3.67% आ, हकीकत 2.5% जंगल आ। सत श्री अकाल, आर एम बी टैलीविजन देख रहे हो तुसी, मैं हाँ जस करेवाल। मत्तेवाड़ा जंगल बचाउण दे लई हर पंजाबी ने अज जिहड़ा आहा दा नारा मारिया आ ते वड्डा इकट्ठ होया आ मत्तेवाड़ा जंगल बचाउण दे लई। हालांकि सत्ताधर दी पार्टी जिहड़ी हैगी आ उह भी पहला जिहड़ी आ मत्तेवाड़ा जंगल बचाउण दीआं गल्लां करदी रही आ, बचाउण दे दावे करदी रही आ, पर जदों उस कुर्सी ते बैठी तां उस तों बाद शायद चित चेते दे विच भुल गया कि मत्तेवाड़े जंगल दा इशू भी हैगा पंजाब दे विच। इस दे बारे गल्लबात करांगे मेरे नाल सीनियर पत्रकार दीपक चनारथल जी होणगे। दीपक जी, सब तो पहला स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दीपक जी, कहिंदे सी कि आम आदमी पार्टी आ आम लोगों की पार्टी आ, पर अज उही आम लोग जिन्हां ने वोटां पाईआं ने ते उसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कां ते उतरे। जिहड़ी भी सरकार लोक विरोधी होगी लोग उहदे विरुद्ध खड़नगे। पंजाब च बादलां ने 10 साल राज कीता, 25 साल राज करन दे दम करदे सी, अज MLA भी नहीं लभदे विधानसभा च। कैप्टन दा राज आया, लोगों ने धोते भुलाते हराते सो भुल गए लोग, तो इन्हों 92 फतवा दे के भेजा कि लोग हिते च फैसले लैणगे। जदों पंजाब नूं महसूस होया कि ये भी साढ़े उल्ट जा रहे हैं तां लोगों ने संगरूर च नतीजा दिखाता। संगरूर च लोगों ने अकालियां नूं दुबारा नहीं चुनिया, कांग्रेस नूं दुबारा नहीं चुनिया, पर जिताया इन्हां नूं भी नहीं। सो इहदा मतलब जिहड़ी भी तेरे लोक विरोधी फैसले लोगी लोग हुण उहदे मूहरे अड़नगे भी खड़नगे भी। लोग हाल ही च दिल्ली तों जित के आए हैं, लोगों नूं पता कि जे असीं दिल्ली वाले ताकत वाले नूं हरा सकते हैं तां अपणियां नूं आप ही जिताया, इन्हां नूं नहीं समझा सकते। सो कल संगरूर दा नतीजा समझाउण वाला नतीजा सी, जे उह तों नहीं समझे फिर 24 भी दूर नहीं है। सो इसलिए इन्हां नूं छेती कहते समझ लेना चाहिए। अज आप महारे इकट्ठ है, मौसम की परवाह नहीं, गर्मी का मसला नहीं, मीह का मसला नहीं, फसलों का मसला नहीं, अपने खेत छड़ के जवाक छड़ के लोग अज इत्थे आप महारे पहुँचे। इन्हां दा मतलब लोगों नूं पंजाब का फिक्र आ, लीडरों का फिक्र पंजाब ने छड़ दिता। तो की लगता कि शायद यह आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया भुल गई, क्योंकि सोशल मीडिया से बड़ा प्रचार है खुद करती रही है, तो पिछलियां वीडियो भी लोगों ने फिर सोशल मीडिया से वो चक लिया जो बीबा सरबजीत कौर माणूके इसे पिंड दे विच आए सी, जदों कुलतार सिंह संधवा इसे जंगल दे विच खड़े सी, ते जदों जिहड़े भगवंत सिंह मान ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी इसे मत्तेवाड़ा जंगल नूं लैके, तो की लगता भुल गए? मैं लगता कि इन्हों नूं लगता हुंदा कि साडियां तां निकलनियां नहीं, असीं दूयां दीआं लभण लई टीमां रखियां। बिल्कुल लगातार दूसरे मीडिया दीआं पत्रकारां दीआं व्यक्तियां दीआं लीडरां दीआं वीडियो कट के सोशल मीडिया से पाउंदे रहे, पर जदों अपनी वारी आई फिर हुण सच सामने आउंदा रहा। सो इस लई इह याद रखना चाहिए कि जे अंब लाओगे तां अंब लगणगे, जे कंडे बीजोंगे फिर अंब नहीं लगणगे। सो इस लई उस मसले ते इन्हां नूं सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया नूं जिहड़ा लोकां लई हथियार वरत रहे हो उह कल नूं तुहाडे लई भी हथियार बन सकदा। सो इस सोशल मीडिया ने सच सामने लिया, भगवंत मान और मीडिया च बैठ के गल्लां करदे रहे कि मत्तेवाड़ा जंगल उजड़ नहीं देवांगे, लोक सभा च खड़ के बोलते रहे ने पंजाब नूं कि पंजाब के खेत नहीं उजड़न देंगे, पंजाब के जंगल नहीं उजड़ देंगे। बीबी माणू के इत्थे मते पाउंदी रही आ उन्हां पिंडां च जिन्हां पिंडां दे सरपंचां नूं रात नूं 8 बजे ठाल के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुट्ठे लवाए सी। सो इस लई उह पंचायतां नूं जमीनां वापस होणियां चाहीदियां, जंगल बचना चाहिए। उस मसले के उत्ते हुण सरकार फैसला किधर लैंदी आ? पंजाब की विधानसभा च 92 MLA चों कोई बोलिया बेअदबी वाले मसले ते? मैं बाकियों की गल्ले नहीं करता, अकाली कांग्रसी BJP और BSP वाले, मैं गल कर रहा इन्हों के 92 की। उन्होंने जेडे बेअदबी का इंसाफ 24 घंटे देने की गल करते, उन्होंने कोई बोलिया? सो नहीं बोलिया ना। इस तरह जदों भगवंत मान ने इस मसले से मत्तेवाड़ा जंगल के मसले से कहा 1000 एकड़ जमीन लवेंगे, की कानमियां नूं पता नहीं सी कि असी इहदे उल्ट बोलते रहे हैं? जो याद क्यों नहीं कराते अपने मुख्यमंत्री साहब, नहीं याद कराया ना? इहदा मतलब कि यह मोदी का दबाव है, कि केंद्र के दबाव हेठ हो रहा, कि केजरीवाल दी हदायतों से हो रहा, कि राघव चड्ढा वालों फाइल च कागज़ रखा जाता, जां अफसरशाही चला रही है? भगवंत मान नूं मुद्दियां दे पता होने के बावजूद जेकर ये फैसले हो रहे हैं, कौन चला रहा? तो उस कुर्सी की जांच होनी चाहिए है, जिहड़ी कुर्सी से बैठ के बादल ने लोक विरोधी फैसले ले, जिहड़ी कुर्सी से बैठ के कैप्टन अमरिंदर ने लोक विरोधी फैसले ले, जिहड़ी कुर्सी से बैठ के चन्नी लोग हित च फैसले नहीं कर सके, तो अज उस कुर्सी के उत्ते भगवंत मान बैठे ने, अजिहे फैसले क्यों आ रहे हैं? वो कुर्सी की जांच कराओ। कांग्रसी प्रोजेक्ट लिया तो अज कांग्रसी लीडरी विरोध के आया, तख्तियां चक्की बैठे, कहिंदे भाई प्रोजेक्ट ही बड़ा माड़ा गा, कहिंदे भाई तो आने नहीं चाहिए, तो कांग्रसी लेके आई है? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट केंद्र का, कांग्रेस उच भाईवाल बन ली काली सी, तो हुण भी प्रोजेक्ट केंद्र का, हुण नवीं सरकार भाईवाल बन ली काली आ। जिहड़ी तेरे सत्ता च हुंदी आ ना
ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਔਰ ਖੀਸੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ अगली बार तो लोगों को पूछ के फैसले होया करन तां चंगी गल आ लोग राय लैके लाओगे तो गलत फैसला नहीं होगा जदों अफसरां तो फैसले लाओगे तो फिर इदां ही होगा सो इसलिए नरेंद्र मोदी होरी तिन खेती कानून बड़ा हवाला देंदे सी वापस लेने पए ना सो इसलिए जेकर अकाली कांग्रसी अपनी भुल्लां बख्शा लेंदे ने वो पंजाब ने फैसला लेना कि भुल बख्शाउणी है कि नहीं बख्शनी है कि नहीं सो बाद दी गल आ पर जे एहसास हो जाए दोबारा जी कुताई ना करन तां आस है कि अगली नवीं जिहड़ी पीढ़ी आवे उहदे लई पंजाब बच जावे क्योंकि जंगल पंजाब दा फेफड़े आ बिल्कुल सो सह लैण एक होर इस दरिया दे विचों एक होर गंदा नाला ना निकल जाए एक होर कैंसर ट्रेन ना नवी चल जाए इत्थे होर बीमारियां पैदा ना हो जाए कुदरती जंगल उसार के उजाड़ के एक कंक्रीट का जंगल ना उसर जाए उहदे लई सारियां धिरां नूं सिर धोना चाहिए सो मैनूं लगदा जिहड़ी भी धिरां जा रही है उहदा धन्नवाद और जिहड़ी धिर चुप है उस नूं बेनती है कि बोलो ये पंजाब का मसला पंजाब की होंद का मसला इस मिट्टी का मसला अपन नस्लों का मसला जेकर जंगल उजड़ गए तो अपने घर बच्चे सह भी नहीं लै पाएंगे दीपक भाई जी हो सकता सरकार कहती है कि असी इंडस्ट्री तो लावे पर कहते जंगल के दरख्त कोई नहीं कटना हो सकता पॉसीबिलिटी हैगी कहते एक मंत्री साहब खेतों च गए तो किसान खेत पानी ला रहा हल बाह रहा तो उत्थे कहते कि उन्हें देखा कि थले चिक्कड़ पैर लिबड़े जट दे कहता यार वो तेरे तो पैर बहुत गंदे कोई ना मैं इतने फर्श लवा दूंगा सो ये उही हाल है वीर मेरे ये दरख्त उजाड़ के कहण कि हाँ इत्थे असीं नौकरियां दे दांगे जां इत्थे कुदरत फिर कुदरत कित्थों बचेगी डाई इंडस्ट्री ने बुढ़े दरिया का बुढ़े नाले च बदलिया की जहर वो कैमिकल साफ हुंदा अजिहा जहर है बुढ़े दरिया च पै रहा जिहड़ा इन्हीं धातां ने जिहड़ियां किसे ट्रीटमेंट साफ नहीं हुंदियां देश च 23% जंगल आ और भारतीय संविधान अनुसार हरेक सूबे को 33% जंगल होना चाहिए पर पंजाब को कागजां च 3.67% आ हकीकत च 2.5% जंगल आ सो 2.5% जंगल चो भी आ जंगल सब तो बड़ा जिहड़ा बचा जे वह भी उजाड़ दोगे फिर पंजाब सह कित्थे लूगा ये हो ही नहीं सकता कि तुसीं दरिया के किनारे डाई इंडस्ट्री लाओ एक टैक्निकल इंडस्ट्री लाओ तो उहदे विच जहर ना पवे किवें हो सकता जेकर तुसीं कपड़िआं दा उद्योग लाउणा ही आ तां अमृतसर हब रही आ साडी उस थां लभो जिथे पानी खराब ना हो जिथे दरख्तों उजाड़ा ना हो बठिंडा साडी कॉटन बैल्ट रही आ सब बठिंडे च वह थां लभो तो इत्थे कुदरती तौर पर यह जे तुहानूं मैं दस दिना दरख्तों दे झात मारियो काले पट्टियां ला के उपर चिट्टे अक्षरां च नंबर लिखिया उहदा मतलब हुंदा कि दरख्त का नंबर है कि भाई इहनूं कोई खराब ना करे नुकसान ना पवे तो जो नेड़े जाके देखोगे ना उहनां दे उत्ते लाल निशान लगे ने एक वो लाल निशान दरख्त कट्टण दे निशान ने बई जी नंबर देख लियो हरा पेन असी लाल निशान ला नहीं दिता हरा पेन असी लोक हित लई दिता ना कि लाल निशान ला के पंजाब उजाड़न लई दिता सो हरे पेन अजिहे लाल लिखतां ना लिखे उम्मीद करदे आ सो तुसीं भी उन्हां पिंडां दे विच दीपक भाई पिछले दिन ही गए हो जिन्हां पिंडां दे विच पानी करके जिहड़ियां ने गंदे पानी करके बीमारियां ने मतलब जमदे बच्चे ही अपाहज ने बहुत तरह दी बीमारियां ने इह नहीं लगता कि सरकार नूं पहलां उन्हां ते वर्क करना चाहिए सी नेड़ले पिंडां दी गल करिए राहो की गल करिए इत्थे भी बड़े पानी जिहड़े हैगे ने खराब ने लगदा नहीं सरकार नूं पहलां उन्हां पिंडां दे काम करना चाहिए कल जदों भगवंत मान जी नाल मीटिंग सी तां उहदे विच मैं उन्होंने याद कराया कि 2010 की थोड़ी फोटो तो 2022 की मैं अपने वाली फोटो मैं कट्ठी पाई थी कहते हाँ मैं पता मैं तुम्हें जवाक में एक 2010 उस बोर फाजिलका के व्हीलचेयर पर बैठा जवाक तुम उन्होंने सामने लिया जो बतौर कलाकार चिंतित सी फिर उन्होंने आप भी वो पिंड होर गणाए कि इन्होंने पिंड भी हालत बहुत माड़ी मतलब उन्होंने पता पहलियां सरकारां दीयां नलायकियां दूर करन लई असीं इह सरकार चुनी आ कि वोर फाजिलका दे लोकां दी कैंसर दीयां बीमारियां घटण ते उह पीण जोगा पानी सही मिले फसलां नूं पानी सही मिले धरती हेठला पानी बच जावे दरिया साडे साफ रहिण उहदे लई सरकार चुनी आ ना कि होर दरिया गंदले करन लई और होर बीमारियां फैलाउण लई नहीं चुनी सो इस लई उन्हां नूं कल याद कराया खासा कुछ हो सकदा उस याद तो बाद वो कुछ लोग कीती फैसले लैण आपां इकट्ठे सीगे तरंगवाला इलाके च आपां जा के आए कल्ले कल्ले घर च सत सत जी कैंसर नाल गवा चुके ने हर घर च अपंगता है हर घर च बीमारी है काला पीली है सो ये चमड़ी के रोग ने ते बूटे अपने आप सुक रहे हैं फलों के सो इसलिए उम्मीद करते हैं भगवंत मान जी पंजाब ने तुहानू पंजाब च चंगा करन लई बदला लिआउण लई चुणिआ ना कि पंजाब के रुख बदल के रोडा करन लई चुणिआ सो ये बेनती आ कि पंजाब बचाउण लई उपराले करन और उम्मीद भी करते हैं कि इस मसले पर मत्तेवाड़ा जंगल वाले मसले पर अज शाम तक या कल सवेर तक चंगा फैसला आएगा लगता है आखिरी सवाल होगा कि लगता है कि इकट्ठ कितना ना कितने सरकार दे जिहड़ा है कि सरकार नूं सोची जरूर पावेगा भाई जी कल जो बैठक च मसला आया सी तद भी सानूं लग्या कि वह गंभीर ने हुण क्योंकि जिहड़े लोकां दे सामने वो मोटरसाइकिल रेड़ा गड्डी वाला फैसला वापस ले सकदे आ इस इकट्ठ मूहरे फैसला किवें नहीं लैणगे सो अज सवेर दे सीआईडी वाले लाए आ
वो थोड़ी एक गड्डी नाल गुणा कर लेंदे पांच बंदे आ गए, एक मोटरसाइकिल गुणा कर लेंदे दो बंदे, जदे दस्सिया जांदा साहब इतनी गाड़ियां आ गई, उत्थे कल्ली कल्ली रिपोर्ट जा रही है कि सी आई डी जदे दस रही है कि इन्नियां गड्डियां इन्ने लोग इन्नियां कारां इन्ने मोटरसाइकिल, इहदा मतलब सरकार को रिपोर्ट है। मैं तां ही दस्सिया कि मैनूं पता लग्या कमेटी नाल तालमेल हो गया, अठ मैंबरी नौ मैंबरी कमेटी नाल शाम तक बैठक जां कल सवेर तक बैठक होएगी और छेती ही ये फैसला मतेवाड़ा ते वापस होएगा। भाई खुशी है इस गल दी कि लोग चिंतित हैगे पंजाब नूं बचाउण दे लई? बिल्कुल बिल खुशी है कि असीं जाग गए हां, श्रोमणी कमेटी जाग गई, कहिंदी हुण अपने अपने इक इक एकड़ च गुरुद्वारे दी जमीनां ते असीं जंगल लावांगे, लोग जागण, दसवंद कढ़न दा अपने रिवाज आ, सो उस अपने विरसे नूं पैदा करन, अपने खेतां च इक इक एकड़ च जंगल लावण, दसवें हिस्से च ला लैण, पंजाब दीआं मंदर कमेटियां कोलों, पंजाब दीआं गऊशालां कोलों, पंजाब दे डेरियां कोलों इन्नियां जमीनां पईआं ने उहनां च लावण जंगल। सो इस गल वल तुरे हां, अज बचाउण वल तुरे हां, कल लावण वल भी तुरांगे, ते सरकारां लोगों के मगर आउंदियां, मूहरे लाउणा सरकारों लोगों को आउंदा, अज मूहरे ला ली है सरकार।